तो दोस्तों आज की वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को सेव कर लेना। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों आप अपने चार्ट पर जब भी दोस्तों कोई ट्रेड लेते हो तो दोस्तों में अपना टारगेट कितना सेट करना है, स्टॉप लॉस कितना सेट करना है, ये आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरा अच्छे से दोस्तों बताऊंगा दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको। उससे पहले दोस्तों अपने लैपटॉप स्क्रीन पर ले जाने से पहले अगर दोस्तों अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया तो दोस्तों जल्दी से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा लो, क्योंकि दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो दोस्तों डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है दोस्तों ट्रेडिंग करने के लिए। तो दोस्तों अब हम चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं अपना लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूँ दोस्तों। अब दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू को दोस्तों ओपन कर लेता हूँ, फिर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों चार्ट पर दोस्तों आप टारगेट स्टॉप लॉस कैसे सेट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर लेता हूँ। और दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग व्यू को यूज करना सीखना चाहते हो कि दोस्तों ट्रेडिंग व्यू के जो टूल्स होते हैं उन्हें दोस्तों चार्ट पर कैसे लगाना है, अगर दोस्तों ये सब आप जानना चाहते हो तो दोस्तों हमने अपने चैनल पर दोस्तों ट्रेडिंग व्यू के ट्यूटोरियल्स डाल रखे हैं दोस्तों, उन्हें अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो दोस्तों जल्दी जाओ देख लो। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन हो चुका है दोस्तों। अब दोस्तों मैं यहाँ पर चलिए आपको टारगेट और स्टॉप लॉस दोस्तों कैसे सेट करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दोस्तों कंसोलिडेशन सेटअप एक ढूंढ लेता हूँ जिसमें दोस्तों ये रहा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखो कि दोस्तों यहाँ पर आपको एक छोटा सा कंसोलिडेशन दिख रहा होगा, मैं दोस्तों यहाँ पर बक्सा लगा के दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपको एक छोटा सा कंसोलिडेशन दिख रहा है, इस कंसोलिडेशन का जब दोस्तों इस कैंडल से दोस्तों ब्रेकआउट हुआ, जब दोस्तों इस कैंडल से दोस्तों ब्रेकआउट हो गया, जब दोस्तों इस कैंडल ने दोस्तों इस कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट कर दिया, इसको थोड़ा दोस्तों इस रेंज को थोड़ा दोस्तों और यहाँ पर लगा देता हूँ परफेक्ट लगाने के लिए दोस्तों, एक मिनट। हाँ अब दोस्तों लग गया। जब दोस्तों इस कैंडल के द्वारा आप देख सकते हो जब इस कंसोलिडेशन का दोस्तों ब्रेकअप तो हो गया दोस्तों, तो दोस्तों आपको टारगेट स्टॉप लॉस कैसे लगाने ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा जूम कर देता हूँ दोस्तों, एक मिनट। इधर की तरफ दोस्तों आप देखोगे कि दोस्तों यहाँ पर आपको दोस्तों ये जो चार नंबर का दोस्तों आप ट्रेडिंग को यूज करोगे दोस्तों, ट्रेडिंग में दोस्तों आपको साइड में पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे दोस्तों पांचवे नंबर में दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से दोस्तों डायग्राम बना हुआ दोस्तों दिख रहा होगा। पांचवे नंबर पे दोस्तों ऊपर से आओगे तो एक दो तीन चार पाँच, इस पर जब दोस्तों इस पर दोस्तों इसके बगल में एक एरो है इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन शॉर्ट पोजिशन आएगा। तो दोस्तों लॉन्ग पोजिशन का यूज हम तब करेंगे जब दोस्तों ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो, और शॉर्ट पोजिशन का तब हम यूज करेंगे जब दोस्तों नीचे की तरफ में दोस्तों ब्रेकडाउन हो, मतलब दोस्तों जब आप कॉल या फिर बाय करोगे तो दोस्तों आप लॉन्ग पोजिशन का यूज करोगे, और दोस्तों जब आप सेल और दोस्तों पुट लोगे तो दोस्तों आप शॉर्ट पोजिशन का यूज करोगे। ओके अब दोस्तों यहाँ पर मैं लॉन्ग पोजिशन का यूज करूंगा क्योंकि दोस्तों ऊपर की तरफ में यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऊपर की तरफ में यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जहाँ पर भी दोस्तों आपने बाय किया दोस्तों जैसे दोस्तों कैंडल क्लोज होने में जैसे दो तीन सेकेंड आ रहा है, कैंडल जैसे ही क्लोज हो गया दोस्तों आपने क्लिक कर दिया, तो दोस्तों यहाँ से आप अपने टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते हो दोस्तों। दोस्तों यहाँ से मैं टारगेट और स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ दोस्तों, और दोस्तों ये इसका टारगेट दोस्तों टारगेट को दोस्तों आप जितना बढ़ाओगे दोस्तों वो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि दोस्तों एक मिनट। सबसे पहले मैं यहाँ पर मोरे से टू का लगा देता हूँ, ये अप्रोक्स है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हो कि ये दोस्तों ग्रीन कलर का बक्सा है दोस्तों, ये दोस्तों इसका टारगेट होगा, और दोस्तों यहाँ पर आपको इसका टारगेट दिख रहा है टू। तो दोस्तों आप और दोस्तों ये जो नीचे का रेड बक्सा है दोस्तों ये वन होगा, वन रेशियो टू। तो दोस्तों आप जितना चाहे टारगेट उतना बढ़ा सकते हो दोस्तों, वन रेशियो टू वन रेशियो थ्री का भी दोस्तों आप यहाँ पर टारगेट को दोस्तों यहाँ पर आप रख सकते हो। ओके दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इसका स्टॉप लॉस दोस्तों कम ज़्यादा करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक एरो दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप इसके पास लेके जाओगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको एरो दिखेगा, इससे दोस्तों आप यहाँ पर अपना दोस्तों जो टारगेट आपका जो स्टॉप लॉस है दोस्तों उसको आप कम ज़्यादा दोस्तों यहाँ से ऐसे ही कर सकते हो। जितना भी दोस्तों आपका स्टॉप लॉस आ रहा है उतना दोस्तों आपको
लगा लेना है, ओके। जैसे अपना स्टॉप लॉस उसको आपको कैंडल की दोस्तों विक पे लगाना है, या फिर उसको कैंडल के दिखे तो थोड़ा नीचे लगाना है, ओके दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस जो आ रहा है वो दोस्तों आपको केवल 14 पॉइंट का आ रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 14.90 पॉइंट का दोस्तों आपका स्टॉप लॉस आ रहा है, और दोस्तों आपका टारगेट यहाँ पर 51.30 पॉइंट का दोस्तों आपको टारगेट आ रहा है, ओके। इसमें दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर दोस्तों ये जो नीचे का दोस्तों लाल वाला बक्सा है इसी दोस्तों हमेशा 1 ही रहेगा, और दोस्तों ये जो ग्रीन वाला बक्सा है इसे दोस्तों आप जितना बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकते हो, ओके दोस्तों। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ये जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दोस्तों वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये जो रेड बक्सा है वो 1 रहेगा, और दोस्तों टारगेट को दोस्तों आप यहाँ से कम और ज्यादा जितना करोगे दोस्तों वो यहाँ पर दोस्तों उतना बढ़ेगा, मतलब कि दोस्तों आपका टारगेट ये स्टॉप लॉस हमेशा 1 रहेगा। और दोस्तों आपका सबसे पहले आपको क्लियर रखना होना चाहिए कि दोस्तों आप 1:2 का प्रॉफिट लोगे या फिर 1:3 का। 1:2 या फिर 1:3 का मतलब होता है कि दोस्तों 1 का मतलब दोस्तों आपका स्टॉप लॉस ही रहेगा, और दोस्तों 1:2 के बाद जो दोस्तों रेशियो के बाद आ रहा है वो दोस्तों आपका टारगेट रहेगा। कि दोस्तों अगर आप मान लो कि दोस्तों 15 पॉइंट दे देना चाहते हो दोस्तों, अगर आपका स्टॉप लॉस आया, अगर आपके अपोजिट पे मार्केट जाता है तो दोस्तों आप केवल 15 पॉइंट दोगे। अगर दोस्तों आपकी फेवर में जाता है तो दोस्तों आपको कितना पॉइंट लेना है, 15 पॉइंट लेना है या 30 पॉइंट लेना है, उसे दोस्तों हम 1:1, 1:2 कहते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर दोस्तों 1:2 का टारगेट रख लेता हूँ मैं, ओके दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं 1:2 का दोस्तों टारगेट हो गया। अब दोस्तों 1:2 का दोस्तों आप टारगेट हो गया, आप देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि दोस्तों यहाँ पर जो स्टॉप लॉस, सबसे पहले दोस्तों मैं इस बक्से को दोस्तों यहाँ से थोड़ा दोस्तों रिमूव कर देता हूँ, ये जो बक्सा है दोस्तों इसे मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ ताकि दोस्तों आपको क्लियर दिखे, ओके। तो दोस्तों जब इस रेंज का दोस्तों ब्रेकआउट हो गया इस कैंडल पे दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपने बाय कर लिया या फिर कॉल ले लिया दोस्तों, और दोस्तों उसके बाद आपने यहाँ पर 1:2 का दोस्तों टारगेट सेट किया। और दोस्तों जब भी आपके टारगेट पे आए तो दोस्तों आपको उस वक्त एग्री कर देना है, और दोस्तों आप देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक दोस्तों सपोर्ट एरिया भी दिख रहा है, और दोस्तों इसकी प्राइस इसके नीचे है तो दोस्तों ये रेसिस्टेंस एरिया दोस्तों आपको यहाँ पर एक दिख रहा है, ओके। दोस्तों ये रेसिस्टेंस की लाइन दोस्तों, तो दोस्तों आपको जैसे टारगेट पे आया वैसे दोस्तों आपको एग्जिट कर देना है। और अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि दोस्तों अभी और ऊपर जाएगा, अगर दोस्तों इसका रेसिस्टेंस इसके पास नहीं है दोस्तों, रेसिस्टेंस से ऊपर है तो दोस्तों आप थोड़ा वेट कर सकते हो, ओके। और दोस्तों अगर बीच में कोई बैरिज कैंडल बन जाता है या फिर दोस्तों कोई आपको पैटर्न दिख जाता है और दोस्तों रेसिस्टेंस आ गया होगा पास में बीच में ही दोस्तों, तो दोस्तों आपको एग्जिट करने के दोस्तों ट्राई करना है, ओके। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दोस्तों टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। अपना स्टॉप लॉस दोस्तों आप कैंडल के दोस्तों क्लोज, कैंडल के दोस्तों लो या फिर दोस्तों कैंडल के लो के दोस्तों थोड़ा नीचे ही रखना, ओके दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में दोस्तों आज के लिए इतना है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको लॉन्ग पोजीशन कैसे लगाना है, जब भी दोस्तों आप बाय करते हो या फिर दोस्तों कॉल कर ट्रेड लेते हो तो दोस्तों कैसे लगाना है दोस्तों, ये मैंने आपको समझा दिया। अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों शॉर्ट पोजिशन कैसे लगाना है, यानी कि दोस्तों जब भी दोस्तों नीचे की तरफ मार्केट जाए या फिर दोस्तों आप सेल कर रहे हो या फिर दोस्तों पुट कर ट्रेड ले रहे हो तो दोस्तों आपको कैसे लगा सकते हो दोस्तों, शॉर्ट पोजिशन टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे सेट करोगे दोस्तों, वो अगले वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों एक बार लाइक का बटन है उस पर क्लिक करके हमारी वीडियो को एक बार लाइक कर दे, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जो बटन है उसे ऑल पे सेट कर दे, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी मजेदार मजेदार वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों डालता रहता हूँ। तो दोस्तों एक और जरूरी बात दोस्तों बताने है कि दोस्तों ये जो एरो दिख रहा है दोस्तों इससे दोस्तों आप इसको ऐसे बड़ा भी कर सकते हो दोस्तों, और ऐसे छोटा भी कर सकते हो, ओके दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करें दोस्तों। अब हम अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।